मित्रों, माँ तुलतला भवानी दर्शन के बाद कड़ी धूप में हम लोग थके हारे बस पैदल, क्योंकि गाड़ी चल नहीं रही यहाँ पे, तो थके हारे बस अपने गाड़ी की तरफ जा रहे हैं लोग। लेकिन एक चीज देखे, थोड़ा सा हमको दुख हुआ, अजीब लगा, क्योंकि एक चीज हम सोच रहे थे कि आखिर ये बलि जो है ये बकरे की ही क्यों दी जाती है, बाघ की भी दी जानी चाहिए, शेर की भी दी जानी चाहिए। जानते हैं बाघ का बलि देने जाइएगा ना, तो बाघवा आपका बलि दे देगा। माने हमेशा कमजोर ही क्यों काटे जाते हैं? सुअर पकड़ के भी देनी चाहिए। देखिए, भक्ति एकदम, भक्ति में शक्ति है, एकदम सही बात है, लेकिन भक्ति के नाम पे अंधभक्ति, पाखंड, आखिर ये कब तक? ये सब बंद होना चाहिए। हर जीव में जान है महाराज। सोचिए कि हम लोग थोड़ा सा धूप में चले अभी, मुश्किल से 500 मीटर, हालत बहुत खराब, होंठ सूख रहा है और उन लोग का समझिए गर्दन काट दिया जा रहा है। और यहाँ पे अभी दिखाई देखिए, पूरा वही भोज चल रहा है और यहाँ पे भोज चल रहा है, यहीं पे बनाया जा रहा है, पूरा भोज चल रहा है, बनेगा फिर प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। और अभी इधर देखिए आगे जा रहा है, हमारे हिंदू धर्म में कोई देवी देवता ऐसे नहीं है जिन्होंने कभी मांस की डिमांड की, किसी जीव की हत्या की डिमांड। देखिए, हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, कभी हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन हम अपना सुझाव, अपना सोच बता रहे हैं कि इस पे सबको सोचने की जरूरत है और जितना हो सके इससे बचने की जरूरत है। ऐसा नहीं, सिर्फ प्रसाद समझ भगवान के भाव के भूखे हैं, बिल्कुल भगवान भाव के भूखे हैं, ये सब के नहीं, बहुत गलत पढ़ाया जाता है अपने यहाँ पे प्रसाद के नाम पे, बहुत गलत है, बहुत दुख हो रहा है। देख मसाला वाला महाराज, एक गर्दन सूख रहा है, देखिए लोग, चलिए भोज चल रहा है घर। महादेव महादेव, ठीक है मित्रों, आप लोग अपना विचार कमेंट में दीजिएगा कि क्या आप लोग इस विषय पे सोचते हैं और आप लोग मतलब हमारे बात से कितना सहमत है, क्योंकि मेरा जो सोच था मैंने बता दिया, आप लोग अपने सोच के साथ स्वतंत्र है, तो आप लोग अपने सोच को कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।